अखिल भारतीय बेरवा महासभा ने तहसीलदार आर के गुहा को ज्ञापन सौंपकर समाज को सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए शासकीय जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। इस ज्ञापन में बताया गया कि शहर में बेरवा समाज के लगभग 10,000 लोग निवासरत हैं। शासन की ओर से समाज को सामुदायिक भवन या धर्मशाला के कोई जमीन नहीं दी गई है। ऐसे में शादी समारोह, संत बालीनाथ जयंती सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में समाजजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा समाज की धर्मशाला के लिए 10 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी, लेकिन जमीन के अभाव में इस राशि का उपयोग भी नहीं हो पाया है। श्रीमान तहसीलदार महोदय, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, माननीय महोदय, सेवा में निवेदन है कि अखिल भारतीय बेरवा महासभा की ओर से निवेदन है कि नागदा नगर में बेरवा समाज के लगभग 10,000 से अधिक आबादी निवास करती तथा बेरवा समाज के नाम से आज दिनांक तक नागदा शहर में शासन की ओर से कोई सामुदायिक भवन या धर्मशाला नहीं है। ऐसे में समाज के व्यक्तियों के होने वाले शादी समारोह, अन्य सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में काफ़ी परेशानी होती है। माननीय थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री द्वारा निधि से समाज के लोगों की धर्मशाला के लिए 10 लाख रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, किंतु भूमि के अभाव में उक्त राशि का उपयोग धर्मशाला के निर्माण में नहीं हो पा रहा है। दूसरा, यह कि समाज को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में वृद्ध स्तर पर होने वाले संत बालीनाथ जयंती समारोह, विवाह समारोह इत्यादि हेतु भूमि की सख्त आवश्यकता है तथा ऐसा ज्ञात होता है कि जूना नागदा की सर्वे क्रमांक भूमि 400/5 कुल रकबा 0.910 हेक्टेयर की भूमि जो कि शासन की उपरिक्त पड़ी हुई है तथा उक्त शासकीय भूमि को यदि शासन द्वारा बेरवा समाज को धर्मशाला निर्माण देता है तो समाज जनों को काफ़ी सुविधा होगी। अतएव श्रीमान से निवेदन है कि उक्त जूना नागदा स्थित सर्वे भूमि 400/5 रकबा 0.910 हेक्टेयर में से समाज को धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि प्रदान किया जाने की कृपा की जाती है। इस हेतु माननीय तहसीलदार महोदय को हम बेरवा समाज के सभी लोग तो अभी चूंकि नया नया आप लोगों से बात हो रही है, मेरा इस संबंध में निवेदन है कि इस प्रकार आपको शायद कोई मार्गदर्शन की कोई कमी हुई होगी, क्योंकि जो तहसीलदार साहब के नाम ज्ञापन दिया है भूमि आवंटन के लिए, भूमि आवंटन का अधिकार तहसीलदार स्तर पर नहीं होता। आप इसके लिए विधिवत एक जैसे ये तो मैं पहुँचा ही दूंगा कलेक्टर साहब को, पर आप कलेक्टर साहब के नाम एक आवेदन बनाइए, उसमें खसरा विवरण नक्शा है ना और पूरा आपका जो प्रस्ताव है ये सब लगा के कलेक्टर साहब से डिमांड करिए, वहाँ से ये आवेदन यहाँ आएगा तो SDM साहब जो है हमारे भू अर्जन अधिकारी इस संबंध में ये मुझे कार्रवाई के लिए देंगे, तो मैं जमीन आपकी जो आपने सत्यापित करके दी बताइए, वो जमीन सत्यापित करने के बाद हम प्रतिवेदन देंगे, इसी अनुसार प्रतिवेदन यहाँ से थ्रू प्रॉपर चैनल कलेक्टर महोदय को जाएगा, वो कलेक्टर महोदय ही भूमि का आवंटन कर सकते हैं या उसको व्यापरित कर सकते हैं। जो कृषि भूमि है, चरणी भूमि है, उसको अगर दूसरी मद में करना है तो ये बावरे भी उनको ही है। इसलिए आप चूंकि मैं आप लोग आए हैं और मैं इसका आपका आवेदन वहाँ कलेक्टर महोदय को पहुँचा देता हूँ कवरिंग के साथ में, और मेरा आपको सलाह है कि आप भी पृथक से भी एक आवेदन अवश्य करें। बराबर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेरवा समाज को सभी लोग हम यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे मोतीलाल जी यादव साहब, रमेश जी अखंड एवं अनिल जी वाड़िया, अनुपलाल जी सिसोदिया, रामकृष्ण राजकुमार जी मेन रोड, सभी अभिभाषक गण एवं सभी समाज के लोग हमें एकत्रित होकर बेरवा समाज की धर्मशाला के लिए हमने भूमि के लिए ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे यहाँ बेरवा समाज के अत्यंत ही बहुत ही दयनीय स्थिति है। बेरवा समाज के करीब 10,000 से 12,000 लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं, मगर हमारे सार्वजनिक कोई ऐसा सामुदायिक भवन नहीं है जिसमें कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी ब्याह ऐसा कोई काम हो सके। इसलिए हमने सरकार से मांग करते हैं कि हमारे को एक यहाँ पे जूना नागदा सर्वे क्रमांक 504/5 में एक रिक्त भूमि पड़ी है, उसे हमें आवंटित करें जिससे कि हमारे वहाँ पे एक धर्मशाला बन सके और हमारा कार्य हो सके। पूर्व में भी हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मान्य श्री थावरचंद जी गहलोत द्वारा समाज को 10 लाख रुपये की हमारी राशि दी गई है, उसका भूमि नहीं होने कारण वो अभी राशि ऐसी पड़ी, अगर हमें ये भूमि अगर आवंटित हो जाती है ये हमारे उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, जिससे कि हमारे को धर्मशाला बनाने में निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग देगी। जैसा भी आप लोगों के हमारे आगे हमारे रमेश अखंड अपना वकील साहब ये जो भी संबंधित करें।